बैक टू द चैनल। मेरा नाम किंजल है और हम इस चैनल पर बनाते हैं ट्रैवल और फूड वीडियोस। अभी फ़िलहाल हम है गोवा के नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और बहुत ही इनक्रेडिबल लोकेशन है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। डेंस फॉरेस्ट है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पेड़ दिख रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पौधे हैं, बर्ड्स, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। हमने हमारे दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दी थी और हमने सबसे पहले एक्सप्लोर किया है यहाँ पर नेत्रावली बबलिंग लेक, जो अपने आप में एक नेचुरल वंडर है, वन ऑफ इट्स काइंड है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर आई बटन पर डाल दूंगी, आप ये ज़रूर देखेगा। अभी हम जा रहे हैं बबलिंग लेक से सिर्फ 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर आया हुआ सावरी वाटरफॉल देखने, तो चलिए। इतना अमेजिंग सनलाइट आया है। तो अभी आपने जो गेट देखा वो सावरी वाटरफॉल एंटर करने से पहले चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे आपको एंट्री फीस पे करनी है। पर पर्सन है 100 रुपीज़ और पर कार का है 100 रुपीज़, और अगर आपके पास कैमरा है और आप वो अंदर लेके जाना चाहते हो तो उसका 50 रुपीज़ है। तो वैसा हमने 350 रुपीज़ टोटल पे किया है और 2 किलोमीटर तक अंदर गाड़ी जाता है और फिर वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी हम पहुंच चुके हैं पार्किंग स्पॉट तक और हमको बहुत अच्छा पार्किंग स्पॉट मिला है। हमने जहाँ पे कार पार्क की है उसके एग्जैक्टली बाजू में उन्होंने डस्टबिन रखी है, तो अगर आप अपने साथ कुछ खाने की चीज़ें लेकर आ रहे हो या फिर पानी की बॉटलें लेकर आ रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे डालिए, डस्टबिन में प्रॉपर डालिए, किधर और फेंकिए मत, क्योंकि ये प्लास्टिक फ्री जोन है। तो आप जब यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा सावरी वाटरफॉल का, तो ठीक से ध्यान दीजिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ध्यान नहीं होता और वो आगे चले जाते हैं। पूरे रास्ते में उन्होंने काफ़ी अच्छे से साइन बोर्ड्स लगाए तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हो। ये वाटरफॉल गाइस सुबह 9 बजे ओपन होता है और हम एग्जैक्टली सुबह 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं, जिस वजह से हमारे अलावा फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं है। शायद एक सिर्फ हमें स्कूटी दिखा तो 2 या 3 लोग हमारे पहले आए रहेंगे यहाँ पे, बट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि और कोई भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एक 5 मिनट्स का वॉक करके हम आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे व्यू बहुत अमेजिंग है, सारे माउंटेन्स दिख रहे हैं, वो भी डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत रेयर साइट है इसलिए देखने के लिए बहुत अमेजिंग लग रहा है। आई होप ये ऐसे इंटैक्ट रहे और इतना ही ब्यूटीफुल रहे। ऑलरेडी वाटरफॉल का आवाज़ सुनाई दे रहा है, आई एम सो एक्साइटेड, कांट वेट टू सी दैट वाटरफॉल। गाइज आई होप आप लोगों को वाटरफॉल का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। अभी इस पॉइंट से स्टेप्स शुरू हो रहे हैं तो हमें ये स्टेप्स नीचे उतर के जाना है। तो मुझे ऑलरेडी ग्लिम्सेस दिख रहे हैं वाटरफॉल के और बहुत ह्यूज वाटरफॉल है। आपको शायद यहाँ से नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ वाटरफॉल। Thank you.
पहुंच चुके हैं ये इनक्रेडिबल सावरी वाटरफॉल में, आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन और प्रोटेक्टेड है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमें पहले ऐसा लगा कि एक दो लोग रहेंगे, बट कोई भी नहीं है यहाँ पे। बहुत अमेजिंग है। सावरी वाटरफॉल का ये व्यू अच्छा नहीं है, बट उससे जो एक वाटर स्ट्रीम बनता है वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही क्लीन वाटर है और इसलिए ऐसा लगता है कि उसको कॉन्स्टेंटली मैं देखते ही रहूँ। बहुत ही इनक्रेडिबल लोकेशन। और यहाँ पे मेरे पाम के साइज़ के बटरफ्लाई है। मैं ठीक से उनको कैप्चर नहीं कर पा रही क्योंकि हम लोग वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहे हैं, बट मैंने फ़ोन से उसे कैप्चर करने का ट्राई किया है। बहुत ही डिफरेंट टाइप के और बहुत कलरफुल बटरफ्लाइज देखने मिल रहे हैं। और एक दो मैंने अलग टाइप के बर्ड्स भी देखे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही आप इसे या फिगर आउट कर सकते हो कि कितना बोलते हैं ना अनटच्ड लोकेशन है ये। सो गाइस, इस वाटरफॉल का बेस्ट पार्ट ये है कि सिंस ये प्रोटेक्टेड साइड होने की वजह से यहाँ पे गार्ड्स हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सेफ प्लेस है। जब हम यहाँ पे आए तभी हम सिर्फ दो लोग ही थे, फिर भी हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे आपको ऐसी बतानी कि उन्होंने यहाँ पे रोप लगाई हुई है, इस पॉइंट के आगे तक आप स्विम मत कीजिए अगर आप स्विम करने आ रहे हो तो। वैसे वो लोग भी आपको बताएंगे ही, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा डेंजरस या फिर डीप हो सकता है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, बट बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है इनफैक्ट कि शाम के 4 या 5 बज चुके हो। इतना ठंडा हवा बह रहा है, बहुत ही प्योर हवा है और वो फील होता है यहाँ की हवा में। तो चलिए गाइस, अभी यहाँ से आगे चलते हैं। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना इनक्रेडिबल लोकेशन देखने के लिए इतना सिंपल ट्रैक रहेगा। आपको जाते समय हार्डली 10-15 मिनट्स लगता है और आते समय भी आपको 15-20 मिनट्स लगता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रैक है। और हम लोग स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उन्होंने वो प्लेस को मेनटेन किया है। जो भी सारे ऑफिशियल्स हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं। आई विश कि इंडिया के हर एक ऐसे लोकेशंस पे इतना ही ध्यान रखा जाए। तो सोचिए सिर्फ आपके अपने इंडिया के लोकेशंस कितने इंटैक्ट और कितने ब्यूटीफुल रहेंगे। हम लोग सिंस सुबह 6 बजे से निकले हैं तो कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो पास में ही मतलब नेत्रावली वाटरफॉल से जस्ट 5 मिनट के डिस्टेंस पे ये निसर्ग रेस्टोरेंट करके है और यहाँ पे लोकल फूड बहुत अच्छा मिलता है। तो हमने सोचा कि आज अर्ली लंच करते हैं और यहीं पे करते हैं। ज़्यादा ही हम लोगों ने खा लिया क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा ओवर ईटिंग हो गया। यहाँ पे वेज थाली का कॉस्टिंग है 140 रुपीज़ और नॉन वेज का कॉस्टिंग है यानी कि फ़िश थाली का कॉस्ट है 200 रुपीज़। टेस्ट काफ़ी अच्छा है और कॉस्टिंग जो है वो भी बहुत रीज़नेबल है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। सुबह बहुत जल्दी उठे थे और अभी 2 बज रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया रहेगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वॉन्डर्स। क्या नाम है तेरा? श्रुत। थैंक यू, बाय बाय। तो अभी हम जस्ट निकल ही रहे थे रेस्टोरेंट से लंच करके और यहाँ पे हमें श्रुते मिला जो यहाँ पे ही रहता है रेस्टोरेंट के पास में, और उसकी मम्मी ने हमारे लिए उनके पेड़ के ही केले भेजे। तो ये मुझे बहुत ही स्वीट जेस्चर लगा और बहुत अच्छा लगता है जब भी ऐसा कुछ ऐसा कोई काइंड जेस्चर हमारे साथ करता है। तो ऐसे भी गोवन लोग बहुत ज़्यादा काइंड है, तो थैंक यू सो मच श्रुते, बहुत अच्छा लगा।